तो बड़ा फैसला निर्भया मामले को लेकर चारों दोषियों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से जो डेथ वारंट जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तारीख और समय मुकर्रर यहां पर कर दिया गया है, 22 जनवरी सुबह 7 बजे का वक्त जो है वो कोर्ट की तरफ से डेथ वारंट जारी करते हुए मुकर्रर किया गया है। हालांकि बचाव पक्ष के वकील अभी यहां पर दलील देते हुए कि अभी कुछ रास्ते बचे हुए हैं मर्सी पिटीशन का मसलन, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद दया याचिका अगर दाखिल की जाती है उसे खारिज होते ही तमाम रास्ते इन दोषियों के लिए बंद हो जाएंगे, जिसके बाद जो फांसी की सजा है वो दी जाएगी। वहीं जो निर्भया के माता पिता है उनकी तरफ से याचिका यहां पर दाखिल की गई थी पटियाला हाउस कोर्ट में, जिसमें मांग की गई थी कि जल्द से जल्द डेथ वारंट यहां पर जारी किया जाए। वहीं कोर्ट ने डेथ वारंट जारी करते हुए 22 तारीख का वक्त जो है मुकर्रर करते हुए 7 बजे यानी सुबह 7 बजे जो है फांसी दी जाएगी निर्भया मामले को लेकर। तो बड़ी खबर आज की निर्भया मामले को लेकर, जिस तरीके से उनके माता पिता की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया गया था, वहीं आज कोर्ट ने बड़ा फैसला इस पूरे मामले को लेकर दिया है। 22 जनवरी को चारों दोषियों को फांसी दी जाए। दरअसल डेथ वारंट जारी करने की मांग की जा रही थी और इसमें साफ कर दिया गया कि 22 तारीख को सुबह 7 बजे फांसी दी जाए, डेथ वारंट जारी करते हैं, यही मांग यहां पर हो रही थी। लंबे वक्त से ये दोषी सलाखों के पीछे हैं और माता पिता जो निर्भया के हैं वो जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे थे, जिसके चलते पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। वहीं कोर्ट ने आज बड़ा फैसला इसमें सुना दिया है। हालांकि बचाव पक्ष का जो वकील है उनका कहना है कि अभी कुछ रास्ते बचे हुए हैं और दया याचिका यहां पर दाखिल की जा सकती है। तमाम डॉक्यूमेंट्स और जो कोर्ट का आदेश है उसकी कॉपी मिलते ही आगे की जो कार्रवाई है इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी कोर्ट के बाद। मानती हूँ हर देश के निवासी की मैं कहीं ना कहीं इसको एक जीत मानती हूँ, क्योंकि जब निर्भया के साथ बलात्कार हुआ था पूरा देश सड़कों पे आया था। मैं उस माँ के जज्बे को सलाम करती हूँ जिसने 7 साल तक उम्मीद नहीं छोड़ी और हर दिन हर मिनट लड़ती रही अपनी बेटी के न्याय के लिए। जज का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि अब इतने साल बाद ही सही फाइनली उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है और देश में अब ये जितने भी रेपिस्ट हैं उनको मुझे लगता है इस निर्णय से कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा। साथ ही मैं केंद्र सरकार से भी अपील करती हूं, 7 साल एक बहुत लंबा समय होता है। मैं अभी आमरण अनशन पे भी बैठी थी, मेरी यही तो मांग थी कि ये 7 साल का समय 6 महीने कर दीजिए। अगर कोई रेप करता है, जघन्य अपराध करता है, उसे 6 महीने में फांसी की सजा दीजिए, ऐसा कानून बनाइए। स्वाति मालीवाल यहां पर फैसले को लेकर अपनी खुशी जाहिर करती हुई, जिसमें उनका कहना है कि महिलाओं के खिलाफ जो लगातार अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, इस फैसले के बाद हिंदुस्तान में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उन तमाम अपराधियों पर लगाम लगेगी और एक महत्वपूर्ण फैसला, बड़ा फैसला जिसका इंतजार इस देश की आवाम को, इस देश के हर एक शख्स को था। और वहीं कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए तारीख और समय इन चारों दोषियों के खिलाफ फांसी का मुकर्रर कर दिया है। तो तारीख और वक्त तय हो चुका है। हालांकि है जेल अथॉरिटी को कि जेल अथॉरिटी डॉक्यूमेंट सप्लाई करेगा मुझे, उसके बाद डॉक्यूमेंट मिलते ही हम क्योरिटी पिटीशन और स्टे एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देंगे और उसको लगते ही डिसीजन होने के बाद अगर उसमें रिलीफ मिलती तो ठीक, नहीं तो उसके बाद मर्सी पिटीशन। तो चारों दोषियों के खिलाफ 22 तारीख को फांसी की सजा का जो वारंट है वो कोर्ट ने जारी यहां पर कर दिया है। निर्भया मामले में एक बड़ा फैसला पटियाला हाउस कोर्ट का, जहां पर माता पिता की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, मर्सी पिटीशन का रास्ता हालांकि अभी बचता है और अगर इस फैसले के बाद आगे का रुख अख्तियार किया जाता है तो राष्ट्रपति की तरफ से दया याचिका को लेकर फैसला आते ही जो एग्जीक्यूशन है सजा का वो यहां पर हो जाएगा। और यानी कि जो अगला रुख है वो यहां पर बचाव पक्ष की तरफ है कि क्या कुछ जो है फैसला यहां पर लिया जाता है। बेटी को इंसाफ मिलेगा, देश के बेटियों को इंसाफ मिलेगा, आगे भी मैं लड़ती रहूंगी जजमेंट से आगे और देश में ऐसी तरीके की घटनाएं घटेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस फांसी से देश के महिलाओं का कानून पर विश्वास जगेगा, आस्था जुड़ेगी और सबको इंसाफ मिलेगा। तो निर्भया की मां का कहना है कि लगातार जो लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है उस पर आखिरकार कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर इस फैसले के बाद लगाम लगेगी। तो चारों दोषी
जिनके खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी जा रही थी निर्भया के माता पिता की तरफ से, उसमें एक बड़ी जीत कही जाएगी। चारों दोषियों के खिलाफ कोर्ट ने बड़ा फैसला यहां पर देते हुए डेथ वारंट जारी कर दिया है, जिसकी मांग इस याचिका में निर्भया के माता पिता की तरफ से की गई थी। 22 जनवरी को चारों दोषियों को फांसी के जो निर्देश हैं, डेथ वारंट जारी करते हुए सुबह 7 बजे का वक्त मुकर्रर यहां पर कोर्ट की तरफ से किया गया है। हालांकि अभी इसमें 22 तारीख सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी या नहीं, क्योंकि एक मर्सी पिटीशन का पेच जरूर यहां पर फंसता हुआ नजर आता है। लेकिन चारों दोषी जिसमें मुकेश, दोषी अक्षय ठाकुर, डेथ वारंट जारी कर दिया। अब उस डेथ वारंट में जो 22 जनवरी जिसकी तारीख है, उससे पहले अगर ये राष्ट्रपति के यहाँ पे याचिका दायर कर दे या सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर दे, तो उस पर जो ये डेथ वारंट है उस पर स्टे हो जाएगा। या ये चारों दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, निर्भया मामले में बड़ा फैसला। 7 साल 22 दिन का इंतजार खत्म हो गया है। मां का सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। निर्भया मामले में बड़ा फैसला, निर्भया की मां का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ठीक है, आप चुप हो जाइए ना, अभी बाइक चली होगी। तो साफ तौर पर कहना है निर्भया की मां का कि इस फांसी के बाद, इस फैसले के बाद देश का विश्वास न्यायपालिका पर बढ़ेगा। निर्भया मामले में यह बड़ा फैसला आ चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, चारों दोषियों को डेथ वारंट जारी कर दिए गए हैं। 22 जनवरी का समय मुकर्रर किया गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। इस देश में निर्भया के कातिलों को फाइनली फांसी की सजा दी जाएगी। आंदोलन की भी बहुत बड़ी जीत मानती हूं, हर देश के निवासी की मैं कहीं ना कहीं इसको एक जीत मानती हूं, क्योंकि जब निर्भया के साथ बलात्कार हुआ था पूरा देश सड़कों पे आया था। मैं उस मां के जज्बे को सलाम करती हूं जिसने 7 साल तक उम्मीद नहीं छोड़ी और हर दिन हर मिनट लड़ती रही अपनी बेटी के न्याय के लिए। जज का भी मैं धन्यवाद करती हूं कि अब इतने साल बाद ही सही फाइनली उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है और देश में अब ये जितने भी रेपिस्ट हैं उनको मुझे लगता है इस निर्णय से कहीं ना कहीं एक मैसेज जाए। पवन और मुकेश की तरफ से फाइल होना है और उसमें डेथ सेंटेंस पर स्टे लगेगा और उसमें स्टे के बाद आगे का प्रोसीजर होगा। मिस्टर सिंह, एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि जब आप लोगों की तरफ से कहा गया कि आप सिक्योरिटी पिटीशन फाइल करना चाहते हैं और उसमें जेल प्रशासन को कोर्ट ने बकायदा बोला भी 2 दिन में डॉक्यूमेंट दे दीजिए, फिर डेथ वारंट जारी करने का क्या इशू है? नहीं, डेथ वारंट से ये होता है, डेथ वारंट से साथ स्टे एप्लीकेशन लगाई जाती है, वो लगती है। उन्होंने कहा आप स्टे एप्लीकेशन अवश्य लगाएं जिससे कि डेथ वारंट स्टे हो सके। आप ये एप्लीकेशन किस कोर्ट में लगाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और इसमें सिक्योरिटी पिटीशन कब तक आप फाइल करेंगे? सिक्योरिटी पिटीशन 2 दिन में फाइल कर दूंगा। देखिए, इसमें जो दोषियों के वकील हैं उनका यही कहना है कि इसके अंदर अभी वाकई में, और ये है भी, सिक्योरिटी पिटीशन फाइल करने का भी ऑप्शन है और उसके बाद जो है दया याचिका राष्ट्रपति के यहाँ दायर होती है उसका भी एक ऑप्शन है। तो जब ये लोग, क्योंकि यहाँ पर अगर डेथ वारंट जारी हुआ है, अगर ये सिक्योरिटी पिटीशन फाइल कर देंगे तो भी ये स्टे करा लेंगे सुप्रीम कोर्ट से डेथ वारंट के ऊपर, और अगर सिक्योरिटी